इंशाल्लाह 2 साल बाद आऊंगा अपनी जानों के साथ, यानी कि अपनी बीवी के साथ। पेरेंट्स को मेरा मैसेज है कि जल्दी कर देनी चाहिए। तो शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की या लड़के को? क्वाइट क्रिटिकल क्वेश्चन। मेरी हो गई थी 30-32 साल लंघ गए थी, मैं कौन कर लूं, उनकी तो करानी है। फूट तेरा काला काला जाने के डदा मस्कारा। अस्सलाम वालेकुम, एपीएनएन डिजिटल के साथ मैं हूं तुज्जा भट्ट। उम्मीद है आप सब लोग मेरी तरह ठीक ठाक और खुश बाश होंगे। आज मैं आई हूँ फिर से अमाना मॉल में और आज मैं करूँगी बहुत ही मज़े के सवालात और हल्की फुल्की गपशप। तो आइए मेरे साथ करते हैं लोगों से मज़े मज़े के सवाल और गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। तबस्सुम, शॉपिंग करने आई है मॉल में? जी शॉपिंग करने आई हूँ। खैरियत? क्यों? बस सिस्टर के बेटे की बर्थडे है, वहाँ पे जाना तो उसी सिलसिले बस थोड़ी सी शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग करने आई है, बर्थडे है। चले मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। शादी की ज़्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की को या लड़के को? दोनों को होती है। नहीं, किसी एक को होती है? आई थिंक लड़कियों को होती है। लड़कियों को क्यों होती है? लड़कियों को क्यों होती है, लड़की कहती है थोड़ी हमें आज़ादी मिल जाएगी, हस्बैंड होगा घूमने फिरने जाएंगे, उसको तंग किया करेंगे, शॉपिंग करवाने लेके जाओ, फ्रेंड्स के पास लेके जाओ। पक्की बात, आज़ादी मिल जाती है? मैंने तो सुना लड़कियाँ कहती है शादी के बाद आज़ादी कोई नहीं होती। मोस्टली फैमिलीज में इस तरह होता है, हम ये कह सकते हैं जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं उनके साथ होता है, और अगर सिटी के जो लोग होते हैं आई थिंक लड़के तो खुद कहते हैं चलो डिनर पे चलते हैं, लंच पे चलते हैं, इस तरह होता है। आजकल ऐसे लड़के पाए जाते हैं? यस पाए जाते हैं। एक पुल है, उसके ऊपर से एक वक्त में एक ट्रक जा सकता है, ठीक है? अब उस पुल से ना 2 ट्रक वाले गुजर गए, कैसे? इकट्ठे गुजर गए, एक वहाँ से आ रहा है एक वहाँ से आ रहा है। 2 रोड होंगी, एक ही पुल है और उस पुल पे एक वक्त में एक ट्रक वाला जा सकता है। दोनों गुजर गए, एक वहाँ से भी गुजर गए एक वहाँ से भी, कैसे गुजर गए हैं? कैसे गुजर गए? आपस में मर्ज तो नहीं हो गए? गुजर गए हैं, सुकून से गुजर गए हैं। तो एक एक साइड से गुजरा होगा। हाँ। तो साइड से उस पे से गुजर ही एक एक सकता है ट्रक। पंक पंक दोनों ट्रक जो है वो एक ही ट्रक होगा। पुल एक है? नहीं, वो पुल एक है और पुल से एक ही ट्रक गुजर सकता है एक वक्त में, और गुजर दोनों के ट्रक। साइज वगैरह में फर्क होगा? कोई फर्क फर्क नहीं है। मोहब्बत हुई है? नहीं नहीं, करने वाला मिला ही नहीं है। मोहब्बत करने वाला कोई मिली ही नहीं है। क्यों नहीं मिली? लभी सी तुसी? हां जी लभी सी। किथे लभी सी? बड़ी जगह ते लभी। केरे मोड़ ते लभी? सरगोदे। सरगोदे नहीं आई कोई? नहीं, लाहौरी ची नहीं मिली। हम लोग तो पंजाब पुलिस पे आ गए। ये यूनिफॉर्म देखकर मुझे भी पता लग रहा है आ कहां से हो। सुबह की शिफ्ट से मतलब पढ़ के आए थे, तो आज दोस्त की बर्थडे थी तो इसलिए। मैंने पूछा शिफ्ट कौन सी थी, मैंने इनको कुछ नहीं कहा, खुद ही डिटेल। नहीं, मैंने कहा क्लियर कर देना। क्लियर क्लियर ये बात समझ जाओ तुम सारे। चलो ठीक है। अच्छा किसकी बर्थडे? इस भाई की बर्थडे। आ जा जी। पक्की बात है? पक्की बात। हैप्पी बर्थडे। वो क्या चीज है जो जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा? हमारी जान। जब तक जान है तब तक। नहीं, हमारा साया। नहीं, फिर क्या? ये तो आपने बताना मुझे क्या पता। अच्छा, जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लड़की क्यों छोड़ जाती है, किसी मोड़ पे आके छोड़ देती है? तो हम उसको जब धोखा नहीं देंगे तब तक नहीं छोड़ेगी, जब धोखा देंगे तो छोड़ देगी हमें। अच्छा लड़की पे आ गया। चलो मुझे एक और कोई और सवाल तो, शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की को या लड़की को? लड़की को होती है। क्यों? बस उसकी उम्र हो जाती है। वो लड़के की उम्र नहीं होती? नहीं, लड़का तो खैर है जब तक होता है, लड़कों को बाद में भी मिल जाती है। धोखा लड़की की धोखे की नहीं, धोखा मिला ही है हमेशा की है किसी के साथ नहीं। कुछ सुनाना चाहोगे? जो आप कहें सुना देंगे। गाना सुना। दिल की धड़कन में रहते हो तुम, दिल की धड़कन में रहते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बिलावल। बिलावल, बिलावल भुट्टो? जी जी, जो मर्जी कहते हैं आप, कोई मसला। भुट्टो भी कहते हैं? कहते हैं। आपका क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, कौन सी क्लास? 2 में। अच्छा पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ती हूँ। फर्स्ट आती हो? हाँ जी। सेकंड क्यों नहीं आती? सेकंड नहीं मैं आती। क्यों नहीं आती? आती हूँ। क्यों नहीं आती? वैसे क्यों, मुझे फर्स्ट ही आना है ना, मेरी पोजीशन ही फर्स्ट है। अच्छा सर आप मुझे ये बताइए, शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की को या लड़के को? बेसिकली लड़के को होती है। क्यों? क्यों वजह? वजह ये है कि
मेरी खुद की शादी हुई है। और यूनिवर्सिटी के बाद यही होता है कि यार यूनिवर्सिटी तो अब गई, जो सा इंजॉय का दौर था वो तो ख़त्म हो गया। अब यही है कि जॉब जॉब के साथ शादी हो जाए, चलो एक पार्टनर है उसके साथ बंदा शेयरिंग कर लेता है, कहीं पे भी जाते हैं, फिर वो एक गैदरिंग बन जाती है वाइफ के साथ। तो मतलब लड़के को ज़्यादा जल्दी होती है, लड़की को नहीं? लड़की को नहीं होती मेरे ख्याल से। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम महक। महक, महक अमाना मॉल में कैसे आना होगा? अमाना मॉल में मैं शॉपिंग के लिए आई थी, यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक वेस्टर्न ड्रेसिंग के लिए मैं आई थी। और मंथली शॉपिंग या कुछ खास? नहीं, मंथली शॉपिंग, जाहिर है आपको पता है विंटर आ रहा है और उसकी विंटर शॉपिंग। ठीक है, yes. ठीक है, चलें एक सवाल का जवाब दें, शादी की ज़्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की या लड़की? इट्स क्वाइट क्रिटिकल क्वेश्चन। कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं, आई थिंक लड़के को ज़्यादा जल्दी होती है। लड़के को क्यों? क्यों? लाइक वजह भी तो हो ना। इतना लंबा पोज। लड़कियों को क्यों नहीं होती, चलिए बताएं। लड़कियों को अगर मतलब जिम्मेदारियों की वजह से, लड़की थोड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करना चाह रही होती है, भागती है जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों से थोड़ा सा होता है उसको कि वो शादी के बाद उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आएंगी, बच्चे ससुराल और ऑल दैट, तो इस वजह से वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करना चाहती है, इसलिए लड़कों को ज़्यादा जल्दी होती है। हाँ, कि वो उन्हें समेट सके। अच्छा, आपका शादी का क्या? तो भी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, 1 to 2 years तक, दूर दूर तक, दूर दूर कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं, नहीं मतलब 2 years तक होपफुली, या 1 years तक, मतलब इस टाइम की ड्यूरेशन के ड्यूरिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चले कुछ सुनाने चाहेंगे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। किसे प्यार है? किसी से नहीं, बस गाना अच्छा लगता है। चले ठीक है, शुक्रिया। आपकी शादी हुई है? जी जी हुई हुई है। ठीक है, आप मुझे बताएं शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की या लड़के को? दोनों ही होती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ फैमिली। अगर आपकी फैमिली आपको बैकअप कर रही है तो फिर आपको जल्दी करवानी पड़ती है, अगर नहीं कर रही तो फिर। शौक किसको होता है, किसी एक को ज्यादा शौक होता है? मर्दों को ज्यादा शौक होता है। क्यों? बस ये कुछ और भी जो आता है, वैसे तो लड़के आपको पता ही है शर्की मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इस वजह से जो ना उनको जल्दी होती शादी करवाने की, लड़की को नहीं होती? नहीं, लड़कियों को ऐसा नहीं होती। चले मुझे एक सवाल का जवाब दें, एक पुल है उस पे से एक वक्त में एक ट्रक ही जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब उस पुल से एक वक्त में दो ट्रक वाले गुजर गए, वो भी एक उधर से एक इधर से, कैसे? ट्रक वाले गुजर गए, ट्रक तो नहीं ना गुजरा, ट्रक वाले गुजर गए, पक्की बात है, ट्रक भी होंगे। नहीं नहीं, आपने जो बात की उसमें कहा आपने ट्रक वाले गुजरे। मैंने ट्रक वाले कहा? जी आपने ट्रक वाले। इतनी गौर से आपने मेरी बात सुनी, पक्की बात है, क्या पता गलत है जवाब हो आपका? नहीं नहीं, मेरा जवाब सही है। क्या पता गलत हो, सोच लें। नहीं, दो जवाब दे देंगे। नहीं नहीं, एक ही जवाब है, एंड पे आपको पता चल जाएगा आपका ठीक है कि नहीं। नहीं, मेरे मैंने कहा एहतियात के लिए आप दो दे। नहीं, मेरा जवाब यही है, एक ही है। एक और सवाल पूछूं? जी जी। शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की या लड़की? शायद लड़की को। शायद लड़की को, आपको जल्दी नहीं है इतनी जल्दी? नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, ऐ केरा गुण है, बस ऐसे ही फंस जाती है जिंदगी। क्यों फंस जाती है, इतनी खुशहाल जिंदगी गुजारी जाती है शादी के बाद? कौन खुशहाल, मेरे जितने भी दोस्त कजन जिन्होंने, ये मेरे कैमरे मैन भाई जो इतने खुशहाल हैं, ये तो बस दिखने में होंगे। नहीं नहीं, बहुत खुश इनकी लाइफ है, वो हमें पता है। नहीं, क्या क्या होता है शादी के बाद, आप इतना क्यों नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला कर रहे हैं? बहुत कुछ होता है, बस क्या होता है, फरीदी घर से बाहर नहीं निकल सकता, अब पता नहीं कैसे क्यों नहीं निकल सकते, लता फल लेंदी है, जब घर जाएंगे तो हजारों सवाल। वो तो वो एक प्यार में मोहब्बत में पूछेगी ना, जनाब कहाँ थे आप सुबह से, आपने खाना खाया, अब इसमें आप गुस्सा करेंगे तो मैं हर चीज़ बताऊँ। पहले जो लाइफ है ना वो हम गुजार सकते हैं, जैसे भी गुजार सकते हैं। अम्मी ने आपसे आपके पूछती कि पुत्र खाना खाया तो आ गया कार, पूछती हैं तो यही चीज़ बेगम ने पूछी, अम्मी की जिम्मेदारी है बेगम के पास। नहीं नहीं, जो मम्मा पहले करते थे ना घर का काम, वो फिर मर्द को करना पड़ जाता है, बेगम नहीं तो मामा रोटियां बनाती थी, अब बेगम ने आकर नहीं, वो उस मियां को बनानी पड़ जाती। किसने कहा?
देखा किसको देखे आप जी बहुत सी देखे हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ नहीं बनानी पड़ेंगी आपको रोटियाँ, आप जल्दी शादी करो। ठीक है, आपने नौजू भी लगाया ना, मैं आपकी करा के रहूँगी। आप बोले मैं शादी करूंगा। हाँ, मैं इंशाल्लाह करूंगा अगले साल इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, इतने नहीं बोले, इतनी जल्दी फिर कब? चलें दो साल बाद करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दो साल बाद मैं फिर यहाँ पे आऊंगा, आप मेरे से फिर इंटरव्यू करने आएंगे, मेरी शादी हो ही होगी, ये बोले इंशाल्लाह। ये बोले बुरा बोले इंशाल्लाह, दो साल बाद आऊंगा अपनी जानों के साथ, यानी अपनी बीवी के साथ, और आपको फिर इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। सूट तेरा काला काला, जाने के दाम सकारा, चिलनी छिपा के टुट दी वडे तो दिल नहीं सारा, हाय न तेरा दिल नहीं तू, बड़ी सोनी लगती तू, हाय न तेरा दिल नहीं तू, बड़ी सोनी लगती तू, जद टुट दी लकल चुकानी है, सूट तेरा काला काला। ये शादी हो गई आपकी जी? चले मुझे ये बताएं, शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की को या लड़की? दोनों को होती है। नहीं किसी एक को, आपके आजकल के दौर में दोनों को जल्दी है। दोनों को, किसी एक को मेरे ख्याल से ज्यादा होती है आजकल फीमेल्स को, ज्यादा जल्दी शादी की। लड़कों को क्यों नहीं होती? लड़के फिर थोड़ा सब्र कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ा ज्यादा जल्दी। तो देखा लड़के सब्र नहीं करते, वो तो बेचारे बंदे हैं। मैं आपको कह रहा ना, इक्वली है वैसे, चलिए आप 60-40 कर लें। चलो मुझे बताया, आपने आपको ज्यादा जल्दी थी कि भाभी को ज्यादा जल्दी थी? नहीं मेरी तो ज्यादा जल्दी थी। नहीं जी, उन्होंने कहा था वेट करें। मेरी हुई बेसिकली अरेंज मैरिज है। आपको क्यों जल्दी थी? मेरी उम्र निकल रही थी। किन्नी की निकल गई? मेरी हो गई थी 30-32 साल लंघ गए थी, मैं कौन कर लो उनको करानी है। चलो कोई नहीं, और 2-4 साल लेने वाले हैं। नहीं ना, फिर चंगा नहीं लगता, बाल होने चिट्टे होने लग पेने, तो फिर बाद में भी मसला हो जाना सी। शादी का ज्यादा शौक किसको होता है, लड़की को या लड़की? दोनों ही कहते हैं, दोनों को जल्दी होती है शादी। आपको कितनी जल्दी? नहीं मुझे तो नहीं है, मैं तो कहता हूं मेरी बिल्कुल ही ना हो। बिल्कुल हो ही ना, शादी ना हो, ये तो झूठ है। नहीं सफेद नहीं है, बिल्कुल टेंशन होती है, बीवी एक बिल्कुल टेंशन है। बीवी टेंशन है क्यों? सर खाती रहती है, और क्या करती है? क्यों सर खाती है, वजह बताएं। मतलब ये कर दो वो कर दो, क्या ये कर दो वो कर दो, बस जो उसकी होती हैं बातें। क्या क्या होती हैं बातें? मुझे अब मेरी थोड़ी ना शादी हुई है, तो फिर भी देखा तो होगा ना किसी को? मैंने देखा किसी को नहीं है। नहीं बता एक्सपीरियंस। शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की को या लड़के? लड़के को। लड़के को? लड़की को। आपका? लड़के को। हम लड़की का क्यों कहे? क्यों क्यों होती है क्यों होती है वजह बताओ। हंसना वजह? हंसना वजह नहीं है, पढ़ाई से बचनी एक रीजन है कि शादी करवा ले। लड़कियां तो पढ़ना चाहती है ना आगे, लड़कियों को ज्यादा। लड़के नहीं पढ़ना चाहते? लड़कों को इतना शौक, पक्की बात है। उनके तो 10 नंबर भी आ जाओ तो खुशी से नाच रहे होते हैं, लड़की बेचारी के 99 भी आ जाओ रोड़ी होती है बैठ। इसलिए लड़के को ज्यादा जल्दी होती है आई थिंक। मेरे ख्याल से 18 के बाद कर देनी चाहिए। किसके बाद? 18 एज के बाद। प्राप्ति कार्ड बनते ही कर देनी चाहिए? हाँ मेरे ख्याल से कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए वजह बताओ? पेरेंट्स को मेरा मैसेज है जल्दी कर देनी चाहिए कि मतलब। ये वाला कौन सा मैसेज होता है, पेरेंट्स को मेरा मैसेज है कि जल्दी कर देनी चाहिए? आप सारी बातें यहाँ पे तो नहीं ना बताई जाती, कुछ कहाँ पे बताई जाती? कॉमन सेंस की बदलो, अगला बंदा समझ जाए ना। क्या समझे, क्यों करे शादी माँ बाप पहले ये तो? इस्लाम में तो लड़का कुछ करता भी तो नहीं, वो पाँव पे खड़ा तो है। पाँव पे तो माशाल्लाह से 2 साल के बाद भी खड़े हो जाते। नहीं नहीं फिर भी मतलब 8 साल के बाद अब जरा मजबूत हो गए ना, इस वजह से बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह चला लेते हैं तो इस वजह से। शादी हुई भी आपकी? नहीं अभी सोच रहे हैं इस बारे में, सोच रहे हैं। चले बताइए शादी की ज्यादा जल्दी किसको होती है, लड़की को या लड़के? लड़कों को ही होती है, लड़कियाँ बेचारी मीसनी होती हैं। मीसनी होती हैं? वो बोल नहीं सकती, पर लड़के दिल में ख्वाब ले बैठे होते हैं। पर आपका क्या कहना है, किसको जल्दी होती है, लड़कों को होती है? जल्दी लड़कों की होती है, हो लड़कियों की जाती है जल्दी। लड़कियों को जाती है, होते उन लड़कों से ही होती है उनकी भी जल्दी। नहीं हो लड़कों, लड़के सोचते रहते हैं हमारी जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, हो लड़कियों की जाती है बस। लेकिन शौक किसको होता है? लड़कों को। लड़कों को, लड़कियों को नहीं होता? मुझे तो बड़ा शौक है। तो फिर आप मैरिड हैं फिर अभी शायद? जी। तो नाजरीन ये था मेरा आज का शो जो मैंने किया अमाना मॉल में। आप सबको अमाना मॉल का तो पता ही होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि अमाना मॉल मौजूद है लिंक रोड पे, जो कि बहुत ही अच्छा मॉल है। यहाँ से हर किस्म की चीज़ आपको मिल सकती है और एटमॉस्फेयर भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है। मज़े मज़े के यहाँ पे लोग आए होते हैं जिनसे मैंने किया आज मज़े मज़े की बातें, हल्की फुल्की गपशप और सवाल पूछे। सवाल मेरा था कि शादी का ज़्यादा शौक लड़की को होता है कि लड़के को, लोगों ने अपनी अपनी राय दी, किसी ने कहा लड़के को, किसी ने कहा लड़की को। दूसरा मेरा सवाल था कि एक पुल है उस पर एक वक्त में एक ही ट्रक जा सकता है,
तो एक पुल से दो ट्रक वाले कैसे गुजर गए? लोगों ने इसके जवाब भी दिए, अगर आपको आता है तो आप बताइएगा। मैं इसका आपको जवाब बताती हूँ कि मैंने कहा कि दो ट्रक वाले कैसे गुजर गए, दो ट्रक नहीं। तीसरा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो वो था वक्त। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मेरे अगले शो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।